नमस्ते दर्शक मित्रों, आज की ये सुहानी शाम हम तेजल बहन के साथ गुजारेंगे। आजकल हम गति के जमाने में रहते हैं, हर चीज की गति बढ़ गई है, हर एक आदमी भागता हुआ दिखता है, किसी को भी पूछो समय नहीं है उसके पास। अब या तो समय नहीं है या उसे समय ठीक से मैनेज करते नहीं आता, कुछ भी है, मगर ये प्रश्न है। और चूंकि ये प्रश्न है इसीलिए उससे जो स्ट्रेस खड़ा होता है, तनाव खड़ा होता है, उसकी वजह से आजकल जिंदगी तनावपूर्ण होती जा रही है। जैसे छाता नहीं है, हर आदमी कहीं ना कहीं आप पूछो मुंह लटकाए मिले आपको, दोस्त है या रिलेटिव है, तो आजकल बहुत टेंशन है। टेंशन किस बात का है तो बोले मेरे बेटे का 12th का एग्जाम अभी आ रहा है। अरे 12th का एग्जाम बेटे का आ रहा है, उसमें तुझे किस चीज की टेंशन है? मगर टेंशन है। और ये टेंशन और स्ट्रेस ऐसे बहुरूपीय हैं जिनके माध्यम से आप कई चीजें जो आपके लिए हानिकारक है खुद ब खुद बुला लेते हैं। आपको स्ट्रेस है, ब्लड प्रेशर होगा, स्ट्रेस है, शुगर आएगी, स्ट्रेस है, कहीं ना कहीं आपको खाना हजम नहीं होगा, नींद नहीं आएगी, और ये सब चीजों का कुल मिला के असर ये होता है कि इंसान ये स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसे रोगों को मानो इनविटेशन दे के बुलाता है कि आओ मेरे पास, मैं तैयार हूं आपके लिए। और ये परिस्थिति में WHO ने जो कहा है कि आने वाले समय में सबसे बड़ा मारक कोई कम्युनिकेबल डिसीज यानी कोई बैक्टीरिया या वायरस या उससे होता है वो डिसीज नहीं होगा। आने वाले वर्षों में सबसे बड़ा चिंता का विषय, सबसे बड़ा मारक अगर कोई है तो लाइफस्टाइल डिसीजेस होगी। लाइफस्टाइल डिसीज का मतलब क्या होता है? लाइफस्टाइल डिसीज का मतलब होता है जीवन के वो रोग जो आप अपनी जीवन पद्धति से अपने शरीर में लाते हैं। कसरत नहीं करना, तनावपूर्ण जीवन जीना, खाने पीने में विवेक नहीं रखना, समय बेसमय खाना खाना, ऐसे कई चीजें हैं जो आपकी जान के बाहर शरीर में घुस जाती है। और फिर एक दिन आप अपने फिजिशियन के पास या डॉक्टर के पास जाओ और वो आपका ब्लड शुगर टेस्ट करके बोलेगा कि आपको डायबिटीज आ गया। और जैसे ही ये सुना, जैसे अपने पे किसी ने बॉम्ब दे मारा हो वैसे घबरा जाते हैं, मैंने डायबिटीज आ गई जैसे। अरे डायबिटीज आ गया है तो आप झेलो उसको, आप ही तो लाए हो उसको बुलाते। मगर वहां भी सहनशीलता का अभाव है। आजकल दर्शन में तो जो हम देखते हैं एक चीज बहुत स्पष्ट है, हमारी पीढ़ी हमारी अगली पीढ़ी से कुछ कम सहनशील थी है, और आने वाली पीढ़ियां इससे भी कम सहनशील होगी, क्योंकि हर चीज बदलती है, गति से बदलती है, और वो बदलाव के साथ, वो गति के साथ उन्हें कदम मिलाना है। उसके साथ साथ पॉल्यूशन, बढ़ती हुई जनसंख्या, अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगारी नहीं मिलती या रोजगारी के कम होते जाते हुए अवसर, कई चीजें आपके ऊपर एक एक करके चारों ओर से धावा बोल देती हैं। और तब अगर आप वो सही तरह का ज्ञान नहीं है
तो आप उसमें फंसते नहीं जाते, जितने ज्यादा फंसते हो जैसे दलदल में फंसे बाहर निकलने का प्रयत्न करो ज्यादा फंसते हो, इसका भी ये हाल है। दलदल में फंसे हो और फिर ऊपर से घबर गए हो आप तो और ज्यादा फंसे। ये परिस्थिति हमारी आज की जिंदगी की, यानी ये मॉडर्न लाइफस्टाइल जिसको आप बोलते हैं, उसकी अगर सबसे बड़ी अभिशाप हो तो लाइफस्टाइल डिसीजेज है। और वो लाइफस्टाइल डिसीजेज अभिशाप है क्योंकि आप इन्हें बुलाते हैं। आप सुबह में देर से उठोगे, कसरत नहीं करोगे, वक्त बेवक्त खाओगे, ज्यादा मिर्ची वाला या ज्यादा ऑयली खुराक खाओगे और ऐसे टारगेट लेके बैठोगे जिसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे पड़ोसी के पास मर्सिडीज है और मेरे पास एक अच्छा सा छोटी गाड़ी है, काम तो दोनों एक ही करती है ना, काम दोनों एक ही करती है। तो ये हाल क्या होता है, हमें मर्सिडीज चाहिए। स्वामी विवेकानंद को किसी ने पूछा था जब वो शिकागो कॉन्फ्रेंस के लिए गए तब, कि इतनी बड़ी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है, देखो ये लोग सब आए हैं कितने अच्छे कपड़े पहन के आए, और आप देखो बिल्कुल इस तरह के अवसर के लिए आपका सही तरीके से आपका ड्रेसिंग नहीं है। तो स्वामी जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि भाई मैं वो देश से आता हूं जिसमें इंसान की कीमत उसकी आंतरिक मूल्य जो है वो करती है, और आपके यहाँ इंसान की कीमत टेलर करता है, हमारे यहाँ मेरी कीमत मेरा टेलर नक्की नहीं करता। तो ये जो गुजराती में कहावत है कि देखा देखी साधे जो बड़े बंद ने लादे रो, किसी के पास साथ भागो भागो भागो, आपको हर 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 चीज में हरीफाई कर लेनी है। पड़ोसी का बच्चा साइंस में गया, मेरा जाना चाहिए। पड़ोसी का बच्चा एमबीबीएस में गया, जाना चाहिए। पड़ोसी गाड़ी लाया, उससे अच्छी गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए। पड़ोसी फॉरेन टूर पे गया फैमिली को लेके वेकेशन के लिए, मुझे जाना चाहिए। ये टारगेट्स ऐसे हैं जो आप अपने लिए तय कर लेते हैं बिना सोचे समझे कि मेरे लिए क्या, मेरे लिए मायना क्या रखता है। मैं सुखी रहूं, स्वस्थ रहूं और आनंद से मेरे जो भी एनवायरनमेंट है, फैमिली है, उनके साथ जीवन व्यतीत करो, वो मायना रखता है। या आप फॉरेन टूर के लिए पड़ोसी गया है इसलिए आप भी सिंगापुर या कहीं चले जाएं, 8-10 दिन वहां भाग 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 करके वापिस आए, वापिस आने के बाद फिर बोले देखो दुनिया कितनी आगे निकल गई है और हम यहाँ रह गए। ये पैसा खर्च करने के बाद भी अंततः तो आप यही उस पे आते हैं कंक्लूजन पे कि दुनिया कितनी आगे निकल गई है, हम कहाँ रह गए। अरे आप वहां ही हो जहां आप डिजर्व करते हो, आप किसी भी जगह पे हो, वो जगह का अपना एक सौंदर्य है, अपना एक खुद का एक महत्व है और उसके एडवांटेजेस भी है। आप गांव में रहते हो ठीक है, शहर के जैसी सहूलतें नहीं है, मगर वहां प्रदूषण भी तो कम है, घी दूध वगैरह मिलता है, सुबह में घूमने जा सकते हो हरियाले खेतों के बीच, कितनी चीजें आप आपके लिए भगवान ने बिखेर के रखी है। मैं वो नहीं चाहिए, जो नहीं है वो चाहिए, ये इंसान की तकलीफ का मूल है। मेरे पास है वो तो ठीक है, वो तो मुझे होना था, उसमें क्या है, नहीं है वो चाहिए मुझे। और वो भी सोच बिना सोचे कि ये चीजें लाने के लिए या पजेस करने के लिए क्या मेरे पास वित्त वगैरह जरूरी जो चाहिए वो है या नहीं है, वो नहीं सोचते हम। फिर आजकल लोन आराम से मिल जाती है, क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, कॉलेज में जाता लड़का है उसको मोबाइल चाहिए, मोबाइल मोटरबाइक चाहिए, क्रेडिट कार्ड भी चाहिए हो सके तो, और आप एक विषचक्र में फंसते हैं जिसका नाम है ईएमआई, ये इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट की माया जाल। न रात को सोती है न दिन को सोती है, न कोई दिन छुट्टी होती है उसकी, सब पूर्णतया 24/7 वो आपके ऊपर हावी होती रहती है। सूद का चक्कर एक दफा आप फंसे उसमें, यानी गए काम से,
ये सब चीजें आप करते हैं तो करने के पहले सोचते हैं कि पैसे कहाँ से लाऊंगा, भरना हुआ तो आपको कोई भी दे देगा, कोई उधारी में आपको, अभी नया पार्लियामेंट बना है तो पुराना वाला है, कोई बोलेगा कि ये उधारी में हम देते हैं, ईएमआई उसका इतना होगा, तो क्या वो खरीद लोगे आप? कभी कभी तो खरीदी भी ऐसी होती है, हम इस तीन तीन आईआईएम ने अभी अभ्यास किया था, तीन वजह से हम चीज खरीदते हैं। एक, किसी के पास नहीं है इसीलिए हम खरीदते हैं, दूसरा पड़ोसी के पास है इसीलिए हमारे पास होनी चाहिए इसीलिए खरीदते हैं, और तीसरा इससे हम हमारे दिमाग में ऐसा ख्याल है कि इसे स्टेटस सिंबल मिलता है इसीलिए खरीदने के लिए, तो ये चक्कर में फंस के आप स्ट्रेस के शिकार होते हैं। आज हम आपको स्ट्रेस के डॉक्टर के पास ले आएंगे, कैसे स्ट्रेस कम करना, क्या करना। देखिए एक शब्द प्रचलित है, स्मशान वैराग्य, किसी को हम कोई गुजर जाए स्मशान में जाते हैं तब लगता है पूरी सारी दुनिया पानी है, कहते हैं ज्ञानी दुनिया है पानी, पानी पे लिखी लिखाई, वो सब हमारे दिमाग में आ जाता है। वापिस आए घर तो किसी का फोन था, अरे भाई अभी तो दुनिया पानी है बोलता था, घर आके किसी का फोन था वही पहली इंक्वायरी क्यों करता है तो। मगर हम ये मोह माया जाल में से निकल नहीं सकते, और तेजल बहन आज हमें मेडिटेशन ध्यान और ध्यान के जरिए हमारे वो अंग जो हम देख नहीं पाते, वहां कुछ खरोच हुई है, वहां कुछ नुकसान हुआ है, वो किस तरह से हमें ठीक करना है उसकी बात सिखाई, ताकि न तो हमें बाईपास करानी पड़े, या करानी भी पड़े तो नौबत काफी समय के अंतर के बाद आए, हम स्वस्थ रहे। जीवन का आनंद तभी है जब आप तंदुरुस्त हो, इसलिए तो गीता जी में कहा है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अगर शरीर ही ठीक नहीं है तो आप क्या करोगे। तो स्वागत है तेजेंद्र आपका हमारे बीच पधारी फिर से एक बार, पहले आप आई थी तो हमारे दर्शक मित्रों ने काफी आपकी जो बातें थी उसकी सराहना की थी, आज फिर से आपने हमारे लिए समय निकाला, मैं आपका स्वागत करता हूँ थैंक यू। मेरी टीम की और साथ में जुड़े हमारे दर्शक मित्रों की ओर से। शुरू करेंगे हम चर्चा आपसे कि ये मेडिटेशन क्या होता है, इसके लिए भी जात तरह तरह के ख्याल बिलीफ या मिसबिलीफ होते हैं, ध्यान में बैठना या ध्यान क्या, किस चीज का ध्यान करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये चीजें जो है वो आप उसकी पूर्व भूमिका के साथ अगर विस्तृत तरीके से हमको हमारे सामने रखेंगे तो शायद हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा। थैंक यू सर, और थैंक यू सब व्यूअर्स जिसने इतना अच्छा रिस्पांस दिया लास्ट डिबेट को। एक हम वेरी बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जैसे लास्ट टाइम बोला था मेडिटेशन है जो सांसों पे फोकस करना, ब्रीदिंग, अपना जो ब्रीदिंग है उसके ऊपर ऊपर कंसंट्रेट करना है, वो वेरी बेसिक एक्सरसाइज है। लगता है एकदम सिंपलेस्ट एक्सरसाइज है लेकिन है बहुत कॉम्प्लिकेटेड। एक ऐसी एक्सरसाइज जो हमारे पूरे शरीर को, और आगे जाके हम अगर देख सकते हैं कि हमारे जो आउटर वर्ल्ड है, हमारा सराउंडिंग है, हमें एक्चुअली हमें ऐसा लगता है कि सराउंडिंग में जो लोग हैं, जो सिचुएशंस हैं, वो हमें इफेक्ट करती है, लेकिन हमारे में हमारा मन में इतना पावर है कि हम सराउंडिंग को और आजू बाजू के लोग सिचुएशंस सबको चेंज कर सकते हैं। अगर आप ये एक्सरसाइज में मेडिटेशन में अगर आप जैसे बेसिक करते हो, फिर धीरे धीरे अपना टाइम जो रहता है स्लॉट वो बढ़ाते रहते हो, तो वो इतना इफेक्टिव पावरफुल टेक्निक है कि हमें आज तक जो हमारी जितनी भी बिलीफ सिस्टम है, हमारा जो भी थिंकिंग है, हमें लगता है, कभी लगता है कि हम दुखी क्यों हैं, क्योंकि सामने वाले की वजह से हम दुखी हैं। अभी परिस्थिति ऐसी क्यों है, क्योंकि आजू बाजू सब ऐसा कंडीशनिंग है कि उसकी वजह से सब
खराब हो रहा है या हमें डिसीज हुआ है इसकी वजह से हम दुखी है, तो एक हमारी ये जो बोलते हैं ना मेंटालिटी या हमारी लर्निंग ऐसी है बाय बर्थ बाय डिफॉल्ट ऐसी है कि हमें आउटसाइड क्या है कॉम्प्लिकेटेड हम वही देखते रहते हैं, हम कभी इनर साइड नहीं देखते। तो ऑलवेज हमें ये हैबिट हो गया है कि बाहर देखना है क्या फैक्टर्स है, लेकिन जब हमें पता चले कि अगर इनर साइड जो है हमारी इनर जर्नी से हम आजू बाजू की परिस्थिति लोग इवन हमारा बॉडी इवन थिंकिंग लाइक थिंकिंग तो वेरी फर्स्ट है, थिंकिंग चेंज करने से ये सब चेंज होने वाला है, तो उसके लिए हमें चाहिए अवेयरनेस। तो मेडिटेशन एक सिंपलेस्ट फॉर्म है जो प्रैक्टिस करने से हम ये सभी चीज़ों पे वर्कआउट कर सकते हैं, नॉट ओनली बॉडी। क्या आप अपना मन चेंज करते हो, अपना विचार चेंज करते हो, फिर बोलते हैं ना विचार से ही दुनिया है ना आगे। तो जैसे थॉट प्रोसेस पहले तो जब हम मेडिटेशन करेंगे तो हमें पता चलेगा अपने बारे में, है ना। तो अभी ये भी बता देती हूँ कि लास्ट जिसने नहीं देखा डिबेट कि मेडिटेशन क्या है, तो उसमें शांति से बैठना है, पाँव क्रॉस कर सकते हो, अगर आप चेयर भी यूज़ कर सकते हो, बॉडी को पूरा रिलैक्स करना है ना, फिर आँख बंद करनी है, पूरा फोकस ब्रीथ पे करना है, ब्रीथ आ रहा है और जा रहा है, नथिंग एल्स, कुछ नहीं करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म ये है, बट ये देखते देखते हमें पता चलेगा अपनी मन की नौटंकी कितनी नौटंकी है अपनी, के जैसे ही बैठे तुरंत कहाँ स्विच होगा कि क्या कॉम्प्लिकेशन चल रहा है लाइफ में, अभी मेरे बॉडी में कहाँ कहाँ पेन हो रहा है, मतलब जो जो चीज़ पे फोकस नहीं करना है हमारा मन ऐसा ही है, क्योंकि हमने आज तक कभी चेंज करने की ट्राई नहीं की या अवेयरनेस नहीं है कि क्या सोचना है, कैसे ये बिहेव करना है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं वेरी फर्स्ट हम अपने ऊपर फोकस करते हैं कि माइंड कैसे वर्कआउट कर रहा है, फिर वो माइंड के थॉट के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी कैसे अब रिस्पॉन्ड कर रही है, कहाँ कहाँ पेन हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो थॉट चेंज करने से, अवेयरनेस चेंज करने से, कॉन्शियसनेस चेंज करने से, देन अपने वर्ड्स भी, वो भी सब पूरा साइंटिफिक, वर्ड्स चेंज करने से, जैसे हम बोल भी देते हैं ना, किसी किसी को तो हैबिट होता है कोई फ़ोन करके पूछे कैसा है तो बस कुछ सही नहीं चल रहा है, और काफ़ी लेडीज ऐसी रहती है कि उसको सिंपथी, या काफ़ी लोग ऐसे हैं कि सिंपथी गेन करने के लिए आप कभी भी पूछो कैसा है तो यहाँ पेन हो रहा है वहाँ पेन हो रहा है, तो आप जो बोलते हो सोचते हो वो सबका इफेक्ट बॉडी तो सुन रही है, आपका एक एक सेल है, जैसे हम लिविंग है एक एक सेल अपना लिविंग है, उसका खुद का इंटेलिजेंस है, उसकी खुद की मैकेनिज्म है, तो वो सब सुन रहा है। आप बोलोगे 10 बार बोलोगे, अगर फेक भी बोल रहे हो कि पेन है तो वो क्रिएट करके दिखाएगा कि हाँ पेन है अब तो है, लिटरली है। तो मेडिटेशन में हम अवेयर होंगे कि बॉडी में कहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी खुद की कॉन्शियसनेस क्या है, हम क्या सोच रहे हैं, कितना स्ट्रेस ले रहे हैं लाइफ में, तो ये वेरी बेसिक है मेडिटेशन का। ये जो बात आपने बताई, क्योंकि आप तो ये सब चीजों के एडवांस स्टेज पे पहुंचे हुए प्रैक्टिशनर हैं, और आपने ठीक वही बात कही कि नौटंकी शुरू हो जाती है, आप जैसे ही कुछ चीज के ऊपर एकाग्र होकर काम करने का शुरू करो। और तीसरी बात आपने बहुत अच्छी कही और अक्सर देखी गई है, सिंपथी सिकनेस, आज सुबह से सिर में कुछ दर्द है, मजा नहीं आता आजकल, जिसको आप मेजर ना कर सको इस तरह के दर्द ये सज्जनों और सन्नारियों को होते हैं, इनको मजा नहीं आता है, मजा क्या क्या नहीं आता है वो मालूम नहीं, मगर नहीं मजा आता है, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है सिर में, कहाँ हो रहा है वो मालूम नहीं, पूरे सिर में हो रहा है। तो इस चीजों से मुक्ति पाने के लिए, हो सकता है मैं गलत हूं मगर मैं मानता हूं कि पहले तो आपकी मानसिकता चाहिए कि नहीं मैं जो कर रहा हूं करने जा रहा हूं उससे अगर मेरे साथ कोई तकलीफ भी है, कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही है, तो वो चीजों को मैं सुधार के पटरी पे ले आऊंगा। बीच खेल में
विकेट फेंक के भाग जाने की जो लोगों की आदत होती है, वो अगर भाग जाएंगे तो पहले 20% समय में ही भाग जाएंगे, क्योंकि वो तय कर लेते हैं कि यह नहीं होना है। और फोर्थ इज डिटर्मिनेशन, कि मुझे इतना सुबह में उठ के चलना है, यानी चलना है कम वॉट में। तो ये सब चीजें आपने बताई, वो तो सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेट मी टेल यू। मगर मैं सोच रहा था विद इन माई सेल्फ कि अगर मुझे ये करना है तो कितनी दुष्कर होगी, तो लगता है उतनी आसान भी तो नहीं होगी, दुष्कर नहीं होगी मगर उतनी आसान भी तो नहीं होगी। तो इसके लिए किस तरह से अपने आप को तैयार किया जाए कि हम ये मेडिटेशन करना चाहते हैं, और फिर हीलिंग की बात हम करेंगे, मगर मेडिटेशन करने के लिए किस तरह से अपने आप को तैयार किया जाए कि नहीं हम करना चाहते हैं। और ये यही है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहा है कि औषध मंत्र भैषज यानी डॉक्टर, देव यानी आप जिसको भी पूजा करते हैं जिसमें श्रद्धा है, दैवज्ञ यानी कि ज्योतिषी, और उपासना, इसमें आपकी जितनी श्रद्धा है उतना ही फल मिलता है। तो ये एक तरह की उपासना है। तो उसमें पहले फर्स्ट एंड मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप अकॉर्डिंग टू मी इज कि इसमें श्रद्धा कैसे, हम इसका श्रद्धा के बीज कैसे बोएं ताकि हम सही रास्ते पे आगे चल के चलना शुरू करें। इसमें तो हम प्रैक्टिस पहले जैसे हम लोग करते तो एक आध घंटा बैठ जाते हैं, जैसे जो भी एक्सपर्ट है उसमें बैठता है तो एक आध घंटा, लेकिन एवरीवन लाइक जो भी स्टार्ट करता है वो स्टार्ट करता है 5 मिनट से। और हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे कि सुन के मतलब मान लेंगे कि ये हो रहा है, लाइक उसके ऊपर बिलीव नहीं होता। तो हम एक ही चीज कर सकते हैं ना, कि या तो हम कहीं पढ़ सकते हैं या गूगल कर दो, अभी तो सब कुछ सब अवेलेबल है। लेकिन हमें ये होना चाहिए कि मेरा बॉडी, जैसे सबका बॉडी अलग है, सबका माइंड भी अलग है, आज मैं अगर आधा घंटा भी कर रही हूँ तो मुझे इफेक्ट हो रहा है, कोई 10 मिनट बैठ जाएगा तो भी इफेक्टिव हो जाएगा। जैसे सबका डिफरेंट रहता है ना माइंड एंड बॉडी, तो हम खुद स्टार्ट करके ही प्रैक्टिस करके ही कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ वहाँ की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके ये कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जैसे वेरी बेसिक, आपने जैसे कहा कि नॉर्मल है, कोई भी जब वेरी फर्स्ट टाइम बैठता है मेडिटेशन के लिए उसके लिए मुश्किल होता है, ऐसा उतना इजी नहीं है कि आप बैठो और तुरंत ऐसे माइंड अपना ऐसा ही है कि पूरा दिन चैटर करता रहता है। मतलब आप साइलेंस में भी बैठे हो, आपको कोई लगेगा कि सोफा पे साइलेंस में बैठे है कोई, लेकिन वो भी अंदर उनके अंदर तो क्या चल रहा है, मतलब माइंड कभी साइलेंस नहीं है, है ना। तो बेसिकली हम मेडिटेशन में तो माइंड को साइलेंस करते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हमें अगर है कि चलो नहीं अभी अब हमें शरीर पे वर्कआउट करना है, माइंड पे वर्कआउट करना है, और अगर आप इसमें बहुत डेप्थ तक जाओगे तो बोलते हैं ना कि यहाँ के आने जाने के जो चक्कर है ना उसमें से भी आपको निकलना है, जो आपको आदि व्याधि उपाधि, मतलब हर एक चीज में ये माइंड वर्कआउट करता है। हीलिंग और फिजिकल हम वेरी बेसिक स्टेज पे लेते हैं, लेकिन डेप्थ में जाने पे इसका बहुत इफेक्टिव है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 5 मिनट से स्टार्ट करो। आप घर में जैसे आपका एक कैसा शेड्यूल रहता है कि पूजा में बैठे, सुबह हर कोई उठ के कुछ ना कुछ अपने धर्म को जिसको मानता है, कोई कुछ पढ़ता है, कोई प्रेयर्स करता है, कुछ भी पूजा पाठ कुछ भी रहता है, तब एक नियम बना लो कि अभी हम 5 मिनट से स्टार्ट करेंगे, है ना, कि 5 मिनट बैठेंगे। अगर मंदिर के आगे बैठे तो वहीं बैठ जाओ, कहीं यहाँ वहाँ बैठने की जरूरत नहीं। एक प्लेस फिक्स कर दो कि ये प्लेस पे हम 5 मिनट्स बैठेंगे। आपको धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा, है ना। इनिशियली तो क्या लगेगा, आपका माइंड काम होगा, शांत होगा, मन आपका धीरे धीरे शांत होने लगेगा। तब धीरे धीरे उसका टाइम बढ़ाते रहो, 5 से 10 मिनट गए, 10 से 15 मिनट, ऐसे करके आप स्टार्ट करते हो कर सकते हो। और एक्चुअली तो ऐसा बोला जाता है कि हमारी जो उम्र है उतने मिनट मेडिटेशन करना चाहिए एवरीवन को, लाइक 40 ईयर्स है तो 40 मिनट्स मेडिटेशन इज मिनिमम। आपकी जितनी एज है उतना मिनिमम करना चाहिए, लेकिन आप अगर बिगिनर हो तो आप 5 मिनट से स्टार्ट करो, धीरे धीरे उसके ऊपर।
और स्टार्टिंग में एक्चुअली जो रियल मेडिटेशन है उसमें कोई म्यूजिक या कोई मंत्रा कुछ नहीं होता, क्योंकि हमें अपने ऊपर फोकस करना है, अपने माइंड पे फोकस करना है, तो वो सब चीजें हमें डाइवर्ट कर सकती है। लेकिन अगर आप बहुत ऐसा है कि आपको नहीं बहुत थॉट्स है या आपको बहुत तभी स्ट्रेस है, स्ट्रेस में आप बैठोगे तो फिर पूरा और ज्यादा डिप्रेशन में जाओगे अगर मेडिटेशन कर रहे हो तो इनिशियल स्टेज में, तो आप ये चीज कर सकते हो कि 5 मिनट का म्यूजिक लगा लो, अच्छा वाला जो आपको सूदिंग लगे, कामिंग म्यूजिक जो मिलते हैं यूट्यूब पे और हर जगह अवेलेबल है, तो आप 5 मिनट्स का लगा लो, 10 मिनट्स का, और उसके साथ बैठो, है ना। धीरे धीरे आप जैसे ब्रीथ पे फोकस करने लगो, आपको लगे कि आप विदाउट म्यूजिक भी आप कर सकते हो, तो आप उसको फिर बंद करके भी बैठ सकते हो। लेकिन 5 मिनट से स्टार्ट करना और अपनी एज जितनी है उतनी मिनट्स मिनिमम करना इज मस्ट, अगर हमें बेनिफिट्स चाहिए इसमें से। तो बस ऐसे ही बिगिनर ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, थोड़ा कम टाइम से स्टार्ट करो और फिर धीरे धीरे। और इसमें कोई ऐसा नहीं कि आप पढ़ने से, आपको एवरीडे ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे कि आपको लगेगा एक ग्रेड आएगी, है ना। जैसे हमें अच्छा लगता है तो हमें लगता है कि और बैठ जाए और बैठ जाए। जैसे अब मुझे अभी मेरा थोड़ा शेड्यूल ऐसा हो गया कि मैं कभी नहीं बैठ पाती, तो एकदम जैसे फूड का क्रेविंग होता है ना, अभी खाना चाहिए, तो मुझे ऐसे लगता है कब बैठ जाऊँ ऐसे, मतलब मुझे 1-2 घंटा बैठती हूँ तो नहीं बैठते तो अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा आपको अंदर से इनर कॉलिंग आएगा कि अभी बैठ जाए, मतलब कहीं पर भी जगह ढूंढ के ऐसा, तो वो स्टेज आ जाएगा। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे और जैसे आप एक्सपीरियंस करोगे कि क्या क्या हो रहा है आपके साथ, तो वो स्टार्ट तो करना पड़ेगा। जैसे हम रूटीन में सब करते हैं, तो ये हमें अपने रूटीन में एनी हाउ पहले स्टार्ट करो। जैसे स्कूल में बच्चा जाता है तो उसको जाना तो नहीं है, फर्स्ट डे ऐसे ही मम्मी छोड़ के आती है, लेकिन उसको जाना तो नहीं होता है, फिर भी हम छोड़ के आते हैं क्योंकि उसके लिए अच्छा है, फिर धीरे धीरे वो वहां सेट हो जाता है। तो ऐसे भी कुछ भी नया स्टार्ट करते हैं ना, जिम में भी जाते तो अच्छा नहीं लगता, तो स्टार्ट तो करना पड़ेगा क्योंकि अपने लिए अच्छा है। ये बात आपने काफी अच्छी बताई। आपने हमें विपश्यना सिखाया था, उसमें एक दूसरे से बात भी नहीं करनी थी, समूह में बैठ सकते थे मगर दीवार के सामने मुंह करके खाना भी खाना है तो बैठते थे और बिल्कुल अपने आप में समाये रहते थे। तो ये सामूहिक कर्म था। तो ये जो ध्यान है वो सामूहिक कर्म है या व्यक्तिगत कर्म है? एक्चुअली ये व्यक्तिगत कर्म है, विपश्यना में वो सेंटर है, वहाँ एक साथ सबको सिखाते हैं, लेकिन फिर भी इसीलिए वो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन क्यों रखते हैं, क्योंकि मतलब एक भी दूसरे के साथ बात ना हो, आई कांटेक्ट से भी हमारी एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफर होती है ना। एनर्जी फॉर्म देखे तो हमें समझ आता है कि जैसे कोई हमारे घर पे आके बैठता है कोई भी पर्सन, तो अगर उसकी एनर्जी आपको अच्छी लगती है तो आप उसके साथ 1 घंटा 2 घंटा बात करोगे, आपको पता तक नहीं चलेगा टाइम कहाँ चला जाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी उससे मैच हो रही है। और वैसे ही अगर कोई ऐसा बंदा आ गया तो आपको अच्छा नहीं लगता, तो ऐसे लगता है कि वो कब जाए यहाँ से, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी जैसे सामने वाले पर्सन में वो हमें इफेक्ट उतना करती है। इसीलिए पहले ऐसा कुछ कहावतें भी थी ना कि किसके साथ बैठना उठना चाहिए, क्यों, उसके पीछे बहुत मतलब एनर्जी का जो एक्सचेंज होता है। तो हम ऐसे ही, तो वहां भी जाके अगर हम बात करते हैं, अगर किसी के सामने देखते हैं तो वो एनर्जी एक्सचेंज होता है, और हम वहां गए हैं अपनी एनर्जी के ऊपर वर्कआउट करने के लिए, इसीलिए हम उसको बचा के रखते हैं। लेकिन जब हीलिंग या ऐसी कुछ प्रोसेस होती है तो कभी कभी ग्रुप मेडिटेशन में बैठ के करते हैं, जैसे कभी कभी बहुत बड़े कुछ वर्क के लिए मेडिटेशन करना है, जैसे कोई अच्छा सा रीजन हो, जैसे कोई कोई प्लेस है उसको हील कर रहा है, या कुछ अभी ऐसा दुर्घटना हुई या ऐसा कुछ हुआ उसको हील करना है, ऐसे भी आगे जाके ऐसे भी रहता है, सब ग्रुप मेडिटेशन में बैठ के सब एक साथ में उसको एनर्जी देते हैं, तो वो अलग चीज है। लेकिन जब अपने ऊपर वर्कआउट करना है तो अकेले बैठ के करना है, व्यक्तिगत सिंगल पर्सन बैठना है। लेकिन जब ऐसे सीखने जाते हो तो हम हर जगह ऐसा ही रहता है, कोई भी सेंटर में तो वहाँ ग्रुप में होता है, लेकिन हर जगह स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन तो ऐसे ही रहते हैं कि बात नहीं करना होता है, एनर्जी एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, तभी आपको अपनी खुद की एनर्जी पता चलेगी। जी, ये जो मेडिटेशन के लिए
बैठना है। आपने विगत से बताई थी विपक्ष के लिए किस तरह से सिटिंग है, क्या है वगैरह। तो अगर मैं मेडिटेशन के लिए आगे बढ़ना चाहूँ तो वो जगह कैसी होनी चाहिए, किस तरह के और पूर्व तैयारियां करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अगर आप घर पे बैठ के कर रहे हो एवरीडे, अगर घर पे आपने सोच लिया कि अब मुझे बेसिक पता चल गया है, मुझे कहीं कोई सेंटर पे नहीं जाना, मैं घर पे भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो प्लेस कंफर्टेबल होनी चाहिए। लाइक आप बैठो तो ऐसे मिनिमम आप ये बोलते मूवमेंट करो, ऐसा नहीं कि आपको अनकंफर्टेबल हो फिर आपको कहीं और बैठना पड़े। आपकी एवरीडे की कोई ऐसी प्लेस हो कि जहाँ आप कंफर्टेबल हो। फिर खाने के तुरंत बाद नहीं करना है, क्योंकि खाने के तुरंत बाद करोगे तो आप सो जाओगे और आपको लगेगा कि मेरा मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, वो योग निद्रा हो जाएगी। मतलब आपको लगा मैं डीप ट्रांस में था, मेरा अच्छा वाला मेडिटेशन हुआ, लेकिन वो मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन मतलब आप डीप ट्रांस में गए हो लेकिन आप अवेयर हो, इवन किसी ने दरवाजा खोला, कुछ आवाज आई तो आप अवेयर हो, लेकिन आपको पता है कि वहां नहीं जाना है, वापस आपको फोकस ब्रीथ पे करना है, है ना। तभी आपको जो एक्सपीरियंसेस होने वाले तब होंगे। तो स्लीप में नहीं जाना है, मतलब इतना भी कंफर्टेबल नहीं रहना है कि नींद आ जाए। तो खाने के तुरंत बाद नहीं, जैसे 2-3 घंटे के बाद कर सकते हो। उसके पहले थोड़ा पानी, मेडिटेशन के पहले थोड़ा पानी पी लो, मतलब कि आप थोड़ा रिलैक्स फील हो अच्छे से। जो आपको प्लेस, आपके घर में जो रूम, जो जगह आपकी है कंफर्टेबल, पांव क्रॉस करने, हाथ को भी क्रॉस करके बैठना है, जैसे बुद्धा और महावीर का जो है ना पोस्चर, वो वाले पोस्चर में। तो उससे क्या है, हमारी एनर्जी ब्लॉक होती है और वहाँ जैसे जो आती है एनर्जी वो अपने शरीर पे वर्कआउट करती है, एनर्जी लीक नहीं होती। करके क्रॉस करके बैठ सकते, लेकिन फिर भी अगर किसी को पाँव में प्रॉब्लम है, हर कोई ऐसे नहीं बैठ सकता ना कि ऐसे क्रॉस करके, तो आप ऐसे सीधा पाँव करके कहीं चेयर के ऊपर या नीचे कुछ टेबल रख दिया, या बेड पे सीधा पाँव रख के भी बैठ सकते, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियली कंफर्टेबल पोजिशन में ही बैठना है, क्योंकि हम जितने भी मिनट या जितने भी घंटे तक कमिटेड है उतना हम शांति से बैठ सके, तो हमारा ध्यान यहाँ वहाँ जाए नहीं उसी हिसाब से। तो वही हमें जो पोस्चर कंफर्टेबल है, हमें लगे कि हम 15 मिनट इसमें बैठ सकते उसमें बैठ जाए, है ना, और कंफर्टेबल जगह पे बैठे। और कोई उतना ये रूल नहीं। हाँ, आवाज़ घर में ऐसा कि आवाज़ चल रहा है तो कोई ऐसी जगह पे बैठे कि साइलेंस है, कहीं दूर कोई प्लेस पे जाके आवाज उतना डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए इनिशियली। फिर जब आगे वाले स्टेज में आप आवाज में भी कर सकते हो, कुंभ के मेले में भी कर सकते हो, कहीं पर भी कर सकते हो। मतलब तो अगर हम मेडिटेशन की शुरुआत करें और आगे बढ़े, आपने बोला क्रॉस लेगेड नहीं भी बैठ सकते हैं तो चलता है, आपने समय भी बता दिया कि जितनी उम्र उतना मिनट मिनिमम उतने मिनट करना चाहिए। मुझे ये जानना था कि आप मेडिटेशन के लिए बैठे हैं, कई लोग कोई ओम कार लिखा हुआ आकार रखते हैं, कई लोग मोमबत्ती जलाते हैं, कई लोग वो एक छोटा सा बल्ब ओमकार के बीच में फिट करके जलाते हैं। ये क्यों जरूरी है? इज इट फैसिलिटेटर या वो आपको किसी तरह से मदद करता है क्या ही? स्टार्टिंग के फेज में जब आप स्टार्ट कर रहे हो, जैसे मैंने म्यूजिक का बोला है ना कि म्यूजिक आपको हेल्प करेगा आपको आपके माइंड को सूद करने के लिए, है ना, काम करने के लिए। तो वैसे अगर किसी का बहुत चंचल वाला मन है कि बैठे और तुरंत नेगेटिविटी हावी हो जा रही है, बहुत थॉट्स आ रहे हैं, उनसे नहीं बैठा जा रहा है ना। और ये जो आपने बोला ना कि कुछ दिया लगा के कोई दिया पे करते, उसको बेसिकली त्राटक बोलते हैं, वो कंसंट्रेशन के लिए मेन होता है कि कंसंट्रेशन हो, है ना, जो लाइट है उसके ऊपर फोकस हो। तो वो सब जैसे मेमोरी पावर बढ़ाना है, कंसंट्रेशन है, तो वो सब वेरी बोलते हैं ना कि ऊपर के लेवल तक वो सही है कंसंट्रेशन के लिए, फोकस के लिए। लेकिन हम जो हीलिंग वाला बात करें उसमें ये जो हम मेडिटेशन कर रहे हैं ना वो वेरी बेसिक, उसको विपश्यना बोलते हैं एक्चुअली। और ओशो ने तो बहुत टाइप के मेडिटेशन बताए हैं, जैसे वॉकिंग मेडिटेशन या म्यूजिक मेडिटेशन और वेरियस टाइप्स ऑफ। लेकिन
ये जो है ना विपश्यना, वो सबसे बेसिक और सबसे कॉम्प्लिकेटेड और सबसे इफेक्टिव, क्योंकि हमें अंदर वर्क करना है, बाहर नहीं। जैसे हम फोकस करेंगे ना कोई भी चीज पे, जैसे आप टीवी पे कुछ देख रहे हो तो वो भी कॉन्सेंट्रेशन तो है आपका, फोकस तो है। कुछ अगर अच्छा वाला सॉन्ग सुन रहे हो जो आपको पसंद है, कुछ अच्छी बुक पढ़ रहे हो जो आपको पसंद है, तो फोकस तो हर जगह होता है। लेकिन जब मेडिटेशन की बात आए तो हम वो ही करते हैं कि आंख बंद करके अंदर जाना है, फोकस कॉन्सेंट्रेशन के लिए हमें नहीं करना है। तो आज हमने जो आगे बढ़ाया विषय, जो आपने विपश्यना हमें समझाया था, आज हम इसकी मेडिटेशन की बात कर रहे हैं। तो ये सीक्वेंस जो है विपश्यना के माध्यम से ध्यान और ध्यान की माध्यम से फिर हीलिंग वगैरह, तो उपलब्ध सभी जो उपाय हैं उसमें ये उपाय आपने बताया कि श्रेष्ठ उपाय है, अगर मैं सही समझा हूं तो। तो आज हम हमारे दर्शक मित्रों को जो दिखा रहे हैं वो पॉसिबल बेस्ट दिखा रहे हैं। यस, और वैसे भी दर्शक मित्रों, एक जो भी आप करो, ये एक चीज में आप अपना ध्यान स्थिर करके श्रद्धा से करो। 10 और तरीके होते हैं, वो हम सुनते हैं किसी से, मगर हम इसके निष्णात नहीं है जो हम इसमें भेद रेखा दौड़ सके कि ये अच्छा है वो अच्छा है। तो किसी के साथ चर्चा या ऐसे ही कोई छोटी मोटी उपलब्धि हो उनकी, इससे प्रेरित होकर अपनी साधना है उसको आप पटरी से मत उतारिए। ये जो इसका जो तरीका है वो शास्त्रोक्त तरीके के मुताबिक जो तेजल बहन बता रही है कि हम ध्यान के लिए बैठेंगे, शांत वातावरण होगा। अगर पलटी लगा के नहीं बैठ सकते, क्रॉस लेगेड नहीं बैठ सकते, तो कुर्सी पे बैठ सकते हैं और फिर अपने जो थिंकिंग है उसको धीरे 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 आहिस्ता 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 हम और चीजों में से वापस खींचते जाएंगे। और हम इस दुनिया में इर्द गिर्द कुछ है ही नहीं, हम ही हैं, वो मान के अपने खुद को सेंटर में रखते हुए चलेंगे। तो ये बात बहुत उपयोगी है। हर तरह के प्रयोग करने का साहस मत करो। आपको जो सिखाया जा रहा है वो एक तरीका है, हम ये नहीं कहते कि ये बेस्ट तरीका है, हो सकता है बेस्ट तरीका है, मगर अगर आप बिना समझे यहाँ वहाँ उलझे या उलझते रहे तो ये बेस्ट हो या ना हो नुकसानकारक जरूर हो सकता है। तो श्रद्धा से करो जो भी करो, और फल मिलेगा उसमें कोई हिचकिचाहट मत रखो, क्योंकि ये न तो कोई दवा है, आप ना कोई केमिकल खाते हैं ना कोई और चीज कंज्यूम करते हो, ये एक हमारे भेजे को मगज को ट्रेन करने का उपाय है। तो जैसे हम वेट ट्रेनिंग से हाथ के या पैर के मसल ट्रेन कर सकते हैं, ठीक उसी तरह जहां जहां इजाएं हुई है, और वो इजाएं बाहर तो दिखती नहीं कि हम उसको टिंचर आयोडीन लगा दे या कहीं से मुंह ले आके लगा दे, वो तो होता नहीं। तो ये इजाओं को हील करने के लिए अंतःस्राव जरूरी है, और ये अंतःस्राव जो है वो अंतःस्राव बढ़ा के जो चोट आई है उसको आहिस्ता 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 कम करने की जो प्रक्रिया है, उसका जो साधन है, उसका हथियार है, वो ध्यान है। ये आप समझ के चलो, तो इसमें फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं है। वो मैं आपको ऑन कैमरा कहता हूँ, अगर कोई भी कहे कि मैं इसमें ये नुकसान है वो नुकसान है, मैं ऑन कैमरा कहता हूँ कि आपको फायदा हो ना हो मगर नुकसान नहीं है, नहीं है, नहीं है। और शांति अगर मिल जाती है आपको तो लोग शांति के लिए तो घर बार छोड़ के जंगल वन में चले जाते हैं, संन्यास ले जाते हैं, ले लेते हैं। तो हम तो घर में बैठे बैठे शांति पा सकते हैं, तो क्यों ना करें। इसमें गंवाने तक का तो कुछ है ही नहीं, ना तो उसका कोई खर्चा आता है। हमारे अहमदाबाद में तो तेजल बहन पहले खर्चा कितना आएगा उसकी चिंता करते हैं।
और वो खर्चा आपको हफ्ते से देना होगा या फिर उधारी से चलेगा, ये सब चीजों के बाद निर्णय लिया जाता है। तो इसमें ऐसा कोई नहीं है दोस्तों, खर्चा रही आता है तो उधारी की कोई बात खड़ी नहीं होती। आपको अपने आप में समर्पित करके दुनिया है ही नहीं। जब आप फील करो, मैंने ओशो का उदाहरण दिया, ओशो को किसी ने पूछा था कि आपके जो अंग है वो स्वस्थ है उसका नाप क्या है, तो बहुत अच्छा जवाब दिया था उन्होंने। उन्होंने बोला था कि जब आपका कोई अंग है वो है या नहीं वही आपको पता ना चले तब आप स्वस्थ हो। आंख में जब तक कोई छोटी सी चीज गिर नहीं जाती तब तक हम आंख के जो इम्पोर्टेंस है उससे विदित नहीं होते। तो हमें हमारे शरीर को एक तरह से कहें तो ये वातावरण से मुक्त कर देना है, मजे में रहना। और वहां अंदर तो कोई क्रॉस रोड्स नहीं है, जो है वो हमारे क्रिएट किए हुए है। और तेजोवेद ये बात हमें सिखा रही है कि कैसे जो आपका मेडिटेशन है यानी ध्यान है उसकी मदद से आप आपकी आरोग्य सुधारणा में कैसे उत्तम परिणाम पा सकते हैं। और दावे के साथ मैं कहता हूं कि आज तो WHO भी कहती है कि आने वाले समय का सबसे बड़ा प्रश्न जो होगा तो लाइफस्टाइल डिसीजेज होगी। तो ये स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर वगैरह वगैरह जो भी होते हैं, डायबिटीज, ये लाइफस्टाइल डिसीजेज हैं। जीवन पद्धति के तहत जिनको हम सम्माननीय अतिथि बना के हमारे पास बुलाते हैं और शरीर में फिर आश्रय देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो शरीर के मालिक बन जाते हैं, ये लाइफस्टाइल डिसीजेज है। और एक बात मैं फिर से बताऊंगा कि तेजलबेन जो कह रही है वो अगर आप अमल में रखो तो ना सिर्फ अपनी जीवन पद्धति, जीवन तंदुरुस्त रहेगा, मगर उसके लिए जो खर्चे होते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी में जो घट आती है, आप अपना जीवन का आनंद नहीं ले सकते, ये सब चीजें आप भूल सकते हैं। इसका महत्व ये है, ये मत सोचो कि कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से ध्यान का कोई पैकेज नहीं आता इसीलिए उसे कोई फायदा नहीं होता। ये मल्टीनेशनल से भी बड़ी मल्टीनेशनल ने ऊपर से बना के भेजा है, तो हमें उसमें श्रद्धा रखना चाहिए। दो चीजें आपसे पूछनी थी, एक तो ये आपने अभी तक बताया, प्रोसेस बताया, अब वो कैसे काम करता है और इसकी फिजिकल बेनिफिट्स यानी इसके फायदे क्या है। फिजिकल बेनिफिट्स मैंने आपको जैसे बोला कि हम जब ये स्टार्ट करते हैं हीलिंग, मतलब मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, तो हमें पहले ये नहीं होता कि हीलिंग हो जाए, है ना। जब पहले तो हम बैठते हैं तो ऐसे ही कि फोकस हो जाए, कंसंट्रेशन हो जाए, है ना। लेकिन हमारा ये जो ब्रह्मरंध्र है, इसको ब्रह्मरंध्र बोलते हैं, वहाँ से कॉस्मिक एनर्जी है, जो वर्ल्ड की एनर्जी है, है ना, परमात्मा की जो एनर्जी है, उसके साथ हमारा कनेक्शन बैठता है। वो कनेक्शन कब बैठता है? जब हम यहाँ से कट ऑफ हो जाए, हमारी अंदर यहाँ आजू बाजू जो चल रहा है उससे जब जब कट ऑफ हो जाए तभी हम वहाँ कनेक्ट हो पाएंगे, है ना। तो जब वो जब कट ऑफ हो जाए, अच्छे से हम जब ध्यान में बैठे, तब जाके आपको वो प्राणिक ऊर्जा है, जो कॉस्मिक एनर्जी है, वो आपको फील होगी। और आपको लिटरली फील होगा कि वो कैसे एंटर हो रही है ना। और हमारे जो 7 चक्रास है उसमें से वो ऊर्जा, ऊर्जा के केंद्र बोलते हैं उसको, है ना। तो धीरे धीरे वो हर एक चक्र में जाती है। तो जब आप डीप मेडिटेशन में जाते हो तो ये सब फील होता है आपको, आप फील कर सकते हो वो एक एक मोमेंट को कि वो कैसे एंटर हो रही है, कौन से चक्रा पे वर्क कर रही है, कहाँ आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ रिपेयरिंग। जैसे हम सो जाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेडिटेशन में हीलिंग होता है, एक हमारा ना ह्यूमन जो बॉडी है उसका एक पूरा मैकेनिज्म है कि हम सोते हैं तो हीलिंग होता है, बॉडी हमारा रिपेयर होता है। इसीलिए हम जब सुबह उठते हैं तो एकदम फ्रेश उठते हैं, और अगर नींद पूरी नहीं होती तो हम फ्रेश नहीं उठते। मतलब जब सोते हैं तो भी हमारी हीलिंग तो चालू ही है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन मेडिटेशन में वो हीलिंग की प्रोसेस एकदम फास्ट हो जाती है। तो हर एक चक्र से वो ऊर्जा अंदर जाती है, और जहाँ जहाँ
हमें तो पता नहीं, जैसे अभी भी हम साइंटिफिक वर्ड और ये सब यूज करें तो जो बेसिक सब लोग है ना, सबको तो पता नहीं कि क्या सिस्टम चल रहा है, कौन सी नर्व्स कौन सा सिक्रेशन हो रहा है, कि ब्रेन में क्या केमिकल्स है, हमें कुछ नहीं पता। हम समझे कि हमें कुछ नहीं पता, लेकिन वो एनर्जी को हर एक चीज पता है कि हमारा बॉडी कैसे वर्कआउट कर रहा है और कहाँ रिपेयरिंग की जरूरत है। तो सेल लेवल पे जाके यहाँ तक अभी तो ऐसे भी रिसर्च है कि जीन्स भी चेंज होते हैं। समझो आपके जो जीनेटिक डिसीज है, पहले ऐसा था कि अब ये चेंज नहीं होगा, हेरिडिटी में आया है। पहले ऐसा था ना, अभी तक ऐसा था कि डायबिटीज बीपी तो पापा को था, आएगा तो मुझे रहेगा। फिर अब पता चला कि ये तो लाइफस्टाइल डिसीज है, तो अब आप लाइफस्टाइल चेंज करो, जितना स्ट्रेस ले रहे हो चेंज करो। तो जैसे ही हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो जहां जहां बॉडी में जहां जहां हीलिंग की जरूरत है, हमें नहीं पता। हमें तो ऊपर ऊपर कुछ लगा है तो पता है, अभी भी हमें नहीं पता कि इंटरनल ऑर्गन में कहां क्या डैमेज है या हो रहा है या होने वाला है, हमें नहीं पता। लेकिन वो ऊर्जा हर एक जगह पे जाके उसका हीलिंग करना स्टार्ट करेगी। तो धीरे धीरे हमें जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, हमें पता चलेगा कि चलो पहले बेसिक लेवल पे हमें लगा कि हाँ हेडेक तो गया, पहले जो मैं दिन की 3 गोली लेती थी अब 2 हो गई, अब 1 हो गई, है ना। पहले नींद नहीं आती थी क्योंकि इतना सोचते रहते थे, कितना नेगेटिव, पूरा दिन हम इतने लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं, बाहर कैसे चल रहा है। और एक हमारा मन कैसा है कि जैसे हम न्यूज देख रहे हैं तो कुछ नेगेटिव चल रहा है, अभी कुछ ऐसा चल रहा है, ऐसी घटनाएं चल रही है कि जो हमें इन्फ्लुएंस करती है, तो माइंड ना एकदम वहां फोकस करता है कि ऐसा कुछ हमारे साथ भी हो सकता है। ये हमारी साइकोलॉजी, ह्यूमन नेचर है। तो और जब मन सोचता है ना, तो मन को ये नहीं पता है कि वो मेरे साथ हो रहा है कि लिटरली बाहर हो रहा है, तो वो उसको रिस्पॉन्ड करना चालू करता है। जैसे किसी का डेथ हुआ और हम पे इफेक्ट आया, तो मन को नहीं पता कि वो क्लोज वन है कि कोई और है। तो स्ट्रेस उतना ही आता है जो न्यूज में देख के, या हर कोई आजू बाजू का जो भी इफेक्ट होता है, स्ट्रेस बॉडी पे उतना ही आता है जितना आउटसाइड है। तो भी वो रिकग्नाइज नहीं होता कि पास का है, तो मन को लगता है यही हमारा स्ट्रेस है। तो बॉडी स्ट्रेस के अकॉर्डिंग जैसे रिस्पॉन्ड करती है ना, जैसे फिर सेल्यूलर लेवल पे सब क्रिएट होता है, और जैसे डिसीज आता है तो वो उसको सच मान लेता है कि नहीं ये ही टेंशन है, ये डिप्रेशन। अगर एक छोटी सी चीज के बारे में आप बार बार सोचते हो कि इसको एडमिशन, अगर चलो आपका बेटा एडमिशन नहीं मिल रहा है, एवरी डे उसको रिपीट करो, क्रिएट करो, फिर आप ऑटो इम्यून डिसीज क्रिएट करो आप, है ना। जब भी सोचे तो सॉल्यूशन बेस्ड पे सोचना चाहिए। हमें हमें पता है हमारी सिर्फ प्रॉब्लम ये नहीं कि सिर्फ हम अपनी प्रॉब्लम के लिए सोचते, हमको इसकी प्रॉब्लम उसकी प्रॉब्लम हर जगह से प्रॉब्लम हम लेके माइंड में करते हैं ना। एक्चुअली हमें मेडिटेशन में बैठ के वो सब रिमूव करना है। आप जितना स्ट्रेस लोगे वो बॉडी के एक एक सेल पे इफेक्ट, फिर डिसीज क्रिएट होगा। तो मेडिटेशन में हम ये ही चीज को रिवर्स करते हैं कि धीरे धीरे जो कचरा इतने सालों से अंदर इकट्ठा किया है उसको अब रिमूव करना है। धीरे धीरे जैसे रिमूव होगा तो डिसीज रिवर्स हो गया, है ना। आप तो हम वो भी सुनते हैं ना, नेचुरोपैथी या काफी अल्टरनेटिव थेरेपी है, और मेडिटेशन भी साथ में करते हैं, तो बोलते हैं कि डायबिटीज तो अब रिवर्स हो गया, अब नहीं है, बीपी तो अब नहीं है, नींद अब अच्छी आ रही है, अभी काफी 10 गोलियां ले रहे थे अभी 3 या 2 पे है, तो अब डिसीज अब हम वो एरा में है कि अब सिर्फ एलोपैथी, ऐसा नहीं, एलोपैथी ऐसा नहीं कि नहीं अच्छी है, इमरजेंसी में वो ही एक टेक्निक है कि अच्छी है, लेकिन हम ऐसी लाइफस्टाइल को रखें कि हमें वो एटलीस्ट यूज करना पड़े जब एकदम इमरजेंसी आए। लेकिन छोटी मोटी चीजों में अगर हम क्योर कर सकते तो ऐसे कहीं से उधार लेके स्ट्रेस लेके हमें कुछ इनवाइट नहीं करना है कोई भी डिसीज को, जहां हम क्योर कर सकते हैं वहां हमें क्योर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो मेडिटेशन एक सिंपलेस्ट वे है। आपने जैसे बोला सबको खर्चे की पड़ी, तो खर्चा कुछ नहीं है, घर में ही बैठो आंख बंद करके बैठो, है ना, तो कर सकते हो। फिर भी इतने सालों की मैंने, मेरी प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि इतना एक्सक्यूज आता है, आप फोन लेके बैठ जाओ तो 10-15 मिनट व्हाट्सएप, आधा घंटा, अगर आप स्क्रॉल करने लगो तो 1 घंटा बैठे रहते हो ना फेसबुक पे व्हाट्सएप पे। लेकिन अगर मेडिटेशन बोलते हैं तो बोलते मैम टाइम नहीं है। तो हमें खुद के लिए, खुद के मन के लिए, खुद के बॉडी के लिए काम करना है। अगर हमें हमारे लिए टाइम नहीं है ना, तो और कौन निकालेगा हमारे लिए टाइम, है ना। तो प्रायोरिटी सेल्फ लव बोलते हैं ना, तो वो सेल्फ लव ऐसा नहीं कि हम बाहर जाके अच्छे से अपने लिए शॉपिंग करें, वो सेल्फ लव नहीं है।
या अपने आप को अच्छी सी चीजें खुद को गिफ्ट करें या अच्छी फैसिलिटीज दे, दैट इज नॉट सेल्फ लव। सेल्फ लव वो है कि आप अपने लिए काम करो, है ना, अपने ऊपर काम करो कि हमें लिटरली क्या चाहिए, है ना। तो मटेरियलिस्टिक चीज में हम जो टाइम थोड़ा डालते हैं ना, ऐसा नहीं, 30 मिनट्स निकालो। अगर आप एज के अकॉर्डिंग भी नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, 30 मिनट, 20 मिनट्स, जब आप अच्छा, आपको अच्छा फील होगा ना, तो आप ऑटोमेटिकली स्विच हो जाओगे कि नहीं, हम ज्यादा कर सकते हैं। आपने बीच में एक शब्द इस्तेमाल किया, ब्रह्मरंध्र। तो मेरी सही या गलत एक समझ ऐसी भी थी कि ये जो हमारी उंगलियां हैं हाथ और पांव की, ये रेडिएशन पॉइंट है हमारे एनर्जी के, जहां से हमारी एनर्जी फ्लो होती है। और इसीलिए अब जब किसी साधु महात्मा से दर्शन के लिए जाते हैं, या तो चरण स्पर्श करते हैं, या तो वो अपने ब्रह्मरंध्र पे हाथ रख के आशीर्वाद देते हैं। ये ऐसा मैं समझा हूँ, सही गलत मैं आपसे टैली कर रहा हूँ। उसी तरह अगर कोई इंसान, जरूरी नहीं है कि उसने भगवान ड्रेस पहना है इसीलिए सब डिवाइन फीलिंग्स वाला आदमी है, तो इसके गलत फीलिंग्स भी हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली मैं आजकल देखता हूँ, खास करके पॉलिटिकल कॉन्ग्रेगेशंस में, आजकल तो बहनों की प्रेजेंस बढ़ी है, तो किसी को भी चरण स्पर्श करते हैं, किसी को भी अपने सर पे हाथ रख के आशीर्वाद लेते हैं। मैं खुद मानता हूं, बीइंग द मोस्ट लिबरल पर्सन आई कैन से इन द वर्ल्ड एंड आल्सो एन इंजीनियर, कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी जो भी फीलिंग्स है, उसके जो भी कॉस्मिक पावर्स है, जो भी चीज है, वो आप अपने अंदर लाओगे। तो इसीलिए मैं बहनों को खास कहता हूं कि आप ये मत करो, ज्यादा से ज्यादा नमस्कार करो। साधु महात्मा है, सही साधु महात्मा है, तो उनमें से तो आपको बिना स्पर्श किए भी अपनी एनर्जी ट्रांसमिट करने की और आशीर्वाद ट्रांसमिट करने की क्षमता है। फिर ये लोग जो संसारी मोह माया में फंसे हुए हैं, जो रुपया अना पाई का हिसाब गिनते हैं, जो जागीरों की व्यवस्था करते हैं, इनके पैरों में मस्तक झुका के क्या पाओगे। एक दूसरी बहनों को मैंने देखा आजकल की, कोई पॉलिटिकल नेता आ गया तो फौरन उसका चरण स्पर्श करने के लिए भागेंगे। अरे क्यों, मगर ये क्यों करते हो आप अपने स्वत्व को एक तरह से बिगाड़ रही हो, आप अपने स्वत्व को एक तरह से पॉल्यूट कर रही हो। तो अगर जेंट्स है तो मैं ज्यादा चिंता नहीं करता, क्योंकि वो तो वैसे भी आप बिगाड़ोगे नहीं बिगाड़ोगे तो वो अपना रास्ता ढूंढ लेगा। मगर आजकल जो ये बदला हुआ बिहेवियर में बहनों में देखता हूँ, खास करके दोज हु आर पॉलिटिकली या फिर धार्मिक कॉन्ग्रेगेशन एकदम मोटिवेटेड है, तो मुझे ताज्जुब होता है कि ऐसा क्यों करते हैं। तो आज आपसे मौका मिला साक्षात्कार करने का, तो पूछ रहा हूं कि क्या मेरी ये मान्यता सही है। एकदम सही है। और जो रियल साधु है, लाइक जो रियल है, जैसे हम भी, हमारे, जब मैं रेकी सीखी, जैसे मैंने स्टेप वाइज थोड़ा बहुत सीखा, फिर लास्ट में मैंने विपश्यना किया, देन आई लेफ्ट एवरीथिंग, है ना, क्योंकि ये हाईएस्ट फॉर्म था मेडिटेशन का। लेकिन जब भी ऐसा लगता है ना, जब जो रियल गुरु है, तो रियल गुरु आपको बोलेगा कि चरण स्पर्श नहीं करने। आप अब तक, अगर आपको रियल गुरु मिले, तो रियल गुरु आपको सामने से बोलेंगे कि चरण स्पर्श नहीं करने हैं। वो सामने से ऐसे ही बोलेगा कि सेकंड भी नहीं करते, जो रियल गुरु है वो सेकंड भी नहीं करेंगे, वो ऐसे ही नमस्ते, दूर से, नो टच, है ना। तो आपको ऐसे भी जो मिलेंगे कि वो एक्चुअली हमारे ऊपर है कि हमें पता चलना चाहिए। चलो कोई भी आ गया ना, कोई भी बड़ा आदमी या छोटा आदमी, कोई भी आ गया ना, वो एक हमारी सेंस है, सेल्फ अवेयरनेस है कि हमें उसके साथ कैसे बिहेव करना है, वो एक बेसिक सेंस है ना, नहीं, वो ये समझ सबको, नहीं होती मेरा, मैं उनको भी दोष नहीं देता, हाँ, वो बेसिक सेंस क्योंकि है। और
फैला हुआ है हर जगह ये चीज, तो बोला ना जो बाय डिफॉल्ट चला आ रहा है, बहुत चला आ रहा है बाय डिफॉल्ट, है ना। आगे जाके हम जैसे हम मैं बोली ना मेडिटेशन का, जैसे वर्ड है ना डीप में जाए तो वर्ड्स का जो पावर है, थॉट का जो पावर है, तो आगे जाके हम देखेंगे तो हमें बोलने का भी सेंस नहीं है ना। कोई भी कुछ भी बोल देता है, बिना सोचे बोल देता है। हम सब क्रिएट करते चीजें कि हमने ये बोला, हमें नहीं पता है। और हमें अगर पता हो तो पता है कि जो हमारे आगे वाली जनरेशन थी, लाइक आपसे भी जो पुराने थे, मतलब जैसे हमारे दादा दादी के टाइम, वो बोलते संध्या के टाइम पे ये नहीं बोलना है, सार्थक हो जाता है। तो हमें लगता था ऐसे ही कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन अभी तो एक्चुअली ये सब चीज क्या है, देखो मेडिटेशन, और आप बोले ना अभी आगे बोले थे कि बहुत करोड़ों रुपए का बिजनेस नहीं या नहीं हो रहा है, लेकिन अभी फॉरेन में अच्छे से ये चल रहा है और लोग बहुत अच्छा वाला पेमेंट कर रहे हैं। क्योंकि देखो हमारे यहाँ एक ये हो गया है, ट्रेंड हो गया है कि कोई भी हमारी चीज है वेस्ट में जाएगी देन आएगी तो कॉस्टली हो जाएगी, है ना। तो अभी एकदम, और मेडिटेशन के आगे अच्छे अच्छे कुछ ऐसे वर्ड लगा देंगे, फैंसी वर्ड, तो आप उसको लाखों रुपये पे करने के लिए भी तैयार है। लेकिन वो ऐसा कुछ इसमें कोई बहुत बड़ा ये नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन है कि कुछ आ गए फैंसी कुछ लगा दिया तो आपकी सिटी में आ गया कि फलाना फलाना मेडिटेशन, तो आप 5000 10000 15000 देके आपको लगता है 3 दिन का वर्कशॉप है, मैं करता हूँ मेरा हीलिंग हो जाएगा। ऐसा कोई हीलिंग होने नहीं वाला, कोई आपको हील करने नहीं आएगा। अगर वो भी अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है तो ऊपर के लेवल पे हो रहा है एवरी डे, तो आपको बैठ के आपको ही हीलिंग करना है। तो हम जब कंसल्टिंग करते तो मेरे पास अगर कोई आता है तो हम ये सिखाते हैं कि आपको खुद को कैसे हील करना है, ना कि हम ऐसा चमत्कार दिखाते हैं। कि रियल गुरु को ये भी सिखाते हैं कि किसी को हमें हील नहीं करना है। जैसे आप कर्म के ऊपर बेस्ड ऑन योर क्या डिसीज आया, तो मैं हीलिंग नहीं कर सकती। अगर मैं उसको इंटरप्ट करती हूँ तो आप तो ये बहुत कम नॉलेज दूंगा, आ जाओ ऐसा ये। वो आप खुद को कैसे ही ले, वो बस जाओ आप। आज हम जिस चीजों पे बात कर रहे थे उनको छोड़ के भी मेंटल बेनिफिट्स, इमोशनल बेनिफिट्स, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स, एनर्जी हीलिंग, ये मुद्दे आज हम डिस्कस नहीं कर पाए, क्योंकि जो भी लिया हमने हाथ में उसको पूरा न्याय मिले, इस तरह का हमारा प्रयास नहीं। ये एक्चुअली तो, आज जो इन्फॉर्मेशन गया वो बहुत जरूरी था, बेसिक है, वेरी बेसिक, है ना जी। तो हम आपसे एक और सेशन चाहेंगे ये बाकी के जो मुद्दे हैं उनको पूरी तरह समझने के लिए, आपके अनुकूलता के अनुसार। ओके सर। तो समय अब हमें बता रहा है कि हम अंत की ओर जा रहे हैं। काफी अच्छी चर्चा हुई और मैं समझता हूँ कि कई चीजें, जैसे मैं मुझे एक 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 मेरा एक मान्यता थी, उसको साइंटिफिक आधार नहीं था, किसी ने इसको कोराबोरेट नहीं की थी कि अपनी जो एनर्जी है वो कोई हमारे हाथ पे यहाँ रखता है तो हम इस तरह के स्पर्श से एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। तो काफी चीजें आपने आज सरलता से बताई, खास करके ध्यान के बारे में जो आपने बताया वो आई ओपनर है कि इसके लिए कोई दिया जला के और कोई ओम या ऐसी कोई चीज सामने रख के या कोई मूर्ति रख के बैठने की जरूरत नहीं है,
आपने उसको नया नाम दिया कि ये त्राटक है, और ध्यान के लिए ये जरूरी नहीं है, ध्यान के लिए आप अपने अंतर मन में खो जाओ, जैसे बाहर का बाहर से जितने आप अपने आप को काट सकोगे, तो मानता हूँ कि उतना ही अच्छा फल आपको ध्यान की अवस्था में मिलेगा, और शायद यही हमारे पूर्वज और ऋषि ने एक तरह से ईश्वर के उपासना के लिए, उपासना के लिए, आराधना के लिए। तो काफी आपने इस विषय पे हमें ज्ञान दिया, धन्यवाद, मिलते रहेंगे आपके मुद्दे को लेकर। थैंक यू, शुभरात्रि। दर्शक मित्रों, ये थी तेजोबेन विपश्यना से शुरू हुई ध्यान पे आए हैं, ध्यान आधा चर्चा हुआ है। अब आप शायद समझ सकते हो कि ये भी एक चीज है, ये भी एक तरीका है अपने आप से डील करने का। तो आपको अगर दवाइयों पे खर्चा नहीं करना है, अंतर मन की खुशी में रहना है, आनंद में रहना है, तो मैं मानता हूँ कि हमारे पूर्वजों की, हमारे ऋषि मुनियों की ये जो देन है, हमें उससे साक्षात्कार करना होगा। मिलेंगे आगे, अभी भी तेजोबेन से मैं कुछ मुद्दे समझने इस ये टॉपिक पे भी और बात करते रहेंगे। धन्यवाद, शुभरात्रि। थैंक यू।